कंद मूल फूल फल पत्तियां पानी, प्लांट बेस्ड फूड लेकिन विदाउट मिलेट, अनाज दालें नहीं, ये भी प्लांट बेस्ड है लेकिन वो इंसान के लिए नहीं पक्षियों के लिए है। तो ये जो कंद मूल फूल फल पत्ती पानी हवा प्रकाश आकाश, ये इंसान का भोजन है। अब इसमें हम पृथक्करण करें, एनालाइज करें, हाँ कैटेगराइज करें, तो जो सबसे भारी भोजन है वो कम से कम लेना चाहिए, सबसे भारी, इससे कम भारी वो इससे थोड़ा ज्यादा, इससे कम भारी हल्का और ज्यादा। इसी तरह से यदि हम लेंगे तो ये बैलेंस्ड डाइट बनेगी। तो अब दो प्रकार हम लगाते हैं, देखो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा भोजन, पूर्ण भोजन। तो पूर्ण में है कंद मूल फूल फल पत्तियां पानी, ये मुंह से लेने की हो गए, जिसको हम आहार या भोजन कह सकते हैं, मुंह से लेना। मुंह से नहीं लेते लेकिन नाक से लेते हैं, वो भी हमारा भोजन है, वो है हवा। जो नाक से भी नहीं लेते मुंह से भी नहीं लेते लेकिन हमें भगवान पहुंचा देते हैं डायरेक्ट हमारे शरीर को, वो है प्रकाश और आकाश, ये मिला के नौ जो है हमारा भोजन है, कंद मूल फूल फल पत्तियां पानी हवा प्रकाश आकाश। अब इसको कैसे लिया जाए, तो ये समतोल बैलेंस्ड डाइट या तो इससे आगे जो उत्कृष्ट या तो उत्तम आहार सर्वोत्तम आहार, इसके लिए हम थोड़ा समझेंगे। जितना संभव है करना है, ऐसा नहीं कि हाँ ये कंपलसरी है, करेंगे तो फायदा है। तो सबसे भारी जो है वो कंद है। कंद किसको कहते हैं कि जो जमीन के अंदर होता है, प्लांट बेस्ड है जमीन के अंदर, लेकिन जमीन के अंदर दो चीजें हैं जिसको हमने, एक को कंद कहते हैं दूसरे को मूल कहते हैं। दोनों मूल ही है वैसे, लेकिन मूल में दो प्रकार, एक कंद एक मूल। मूल जो है गाजर मूली ऐसे, हाँ स्ट्रेट जमीन के अंदर भीतर नीचे, इसको मूल कहते हैं। बहुत सारे मूल हैं लेकिन इस ऐसे ही मूल लेकिन इसमें गांठे हैं, इसको हम कंद कहते हैं। जैसे कि आलू, शकरकंद, अदरक, बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत, ये भी मूल भी असंख्य है कंद भी असंख्य है। तो ये दोनों में कंद सबसे भारी है पचने में, मूल कंद की तुलना में कम भारी है। कंद मूल अब ऊपर आते हैं, धरती के ऊपर जमीन के ऊपर प्लांट बेस में, तो वो है फल। कंद के बाद मूल, मूल के बाद फल, फल अब हल्का है, तीसरे नंबर पे है। नीचे से शुरू करें तो तीसरे नंबर पे वो आता है। फल में भी दो प्रकार लगा सकते हैं, एक गुद्देदार और एक रसदार। गुद्देदार केले पपीता ऐसे बहुत सारे, और फल में जो हम फल कहते हैं ऐसा ही नहीं है, फूल के बाद जो लगते हैं वो फल है।
तो यहां फल मिर्ची भी फल है, लौकी भी फल है, फूल के बाद लगने वाले हर कोई फल है। तो इसमें गुद्देदार जो है वो भारी है और जिसमें रस की मात्रा ज्यादा हो वो हल्का हो, ये दोनों में तुलना में। तो अब कंद बाद में मूल, बाद में फल, फल में गुद्देदार और रसदार, बाद में फूल है, फूल इससे भी हल्का है, लेकिन फूल हम खाते नहीं हैं, ज्यादातर फूलों को हमने हमारे भोजन में स्थान नहीं दिया है, तो फूल भी हमारा भोजन है। और मेरे हिसाब से ऐसे फूल जिसमें फल नहीं लगते यह हमारा भोजन है, ऐसे फूल जिसमें फल लगते हैं वो फल के लिए फूल है तो ये हमारा भोजन नहीं है। तो ये फूल फल के बाद हल्के में आता है, फूल के बाद जो है वो पानी है, पानी के बाद है, तो पानी यहां ये जो मुंह से खाने वाला ये इतने में आ गया। अब भोजन तो है हमारा, ये है जो मुंह से नहीं लेते वो है नाक से लेने वाली हवा। तो जो हम पांच तत्व कहते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, तो अब पत्तियां के बारे में, पत्तियां फूल के बाद, हाँ फूल के बाद पत्तियां और बाद में पानी, पत्तियों के बाद में पानी, पानी के बाद में हवा और हवा के बाद में प्रकाश, दोनों दिन में सूर्य प्रकाश, रात में चंद्र प्रकाश, और प्रकाश के बाद में आकाश, सबसे हल्का आकाश है। और आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा आकाश है वॉल्यूमेट्रिक कद में। तो इसी तरीके से यदि हम सेवन करेंगे तो हमारे लिए वो एकदम बैलेंस डाइट बन जाएगा, यानी कि जहां तक हो हमें आकाश के नीचे रहना है, प्रकाश का सेवन करना है, खुली हवा लेना है, और बाकी जो खान पान की बात है इसमें कंद कम मूल इससे ज्यादा फल, इससे ज्यादा फूल, इससे ज्यादा पत्तियां, इससे ज्यादा पानी, तो इसी तरीके से यदि लेंगे तो ये डाइट में भोजन में जो मुंह से लेने वाला वो बैलेंस डाइट कहा जाएगा। अब पानी तो आप देखेंगे कि जो कुछ हम रस युक्त खाते हैं इसमें से हमें पानी मिल जाएगा, तो पानी स्पेशली जिसको हम पानी कहते हैं वो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पानी जो ज्यादा हम कहते हैं इसमें से मिल जाएगा। जो भी रस युक्त हम खाएंगे, जितना रस युक्त खाएंगे, और आपका अनुभव रहेगा हमारा है 31 सालों का, हम पहले पानी बहुत पीते थे क्योंकि भ्रांति में भटक रहे थे, ऐसे स्टैंडर्ड बताए गए थे कि कम से कम इतना पानी पीना है, पानी पथी में भी बताया गया था कि 1.6 लीटर पानी उठने के साथ बिना मुंह धोए साफ किए ये पीना है, बाद में सारा दिन मिनिमम 8 लीटर 10 लीटर जो भी स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, और ये स्टैंडर्ड साइंस ने बनाया है, मेडिकल साइंस ने बनाया है, ए WHO ने बनाया है, तो ये सारे स्टैंडर्ड जो कुछ इंसान ने बनाया है वो सही नहीं है, कोई नियम की जरूरत नहीं है, भगवान खुद तय करते हैं, जब पानी की जितनी जरूरत है वो प्यास लगाएंगे, जब प्यास ही नहीं लगती तो पानी पीने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लगते है तो पीना है, जितनी लगती है उतना पीना है,
कोई ऐसा भी नहीं कि पानी नहीं पीना, ऐसा भी नहीं है, लेकिन प्यास से पीना है। तो इसी तरीके से ये बैलेंस डाइट बनेगा। तो जिसमें हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा प्रकृति में हम देखेंगे तो पत्तियां हैं, और वैसे भी हमने देखा कंद, मूल, फूल, फल, फल, फूल और अंत में पत्तियां, बाद में पानी है, लेकिन पानी इसमें से मिल जाएगा, एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं, मिल जाएगा। हवा में भी जो मॉइस्चर होता है ये भी हमें मिल जाता है। तो अब पत्तियां हमारे भोजन में जितना हो सके ज्यादा ये लेंगे, मैक्सिमम पत्तियां, बाद में अब रिवर्स करते हैं, बाद में फूल, बाद में फल, बाद में मूल, बाद में कंद। और जिसको अब अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना है उनको भारी से हल्के की ओर जाना है, तो सबसे भारी है कंद, ये छोड़ना है, बाद में भारी है मूल, ये छोड़ना है। इसी हिसाब से आप देखेंगे कई कई धर्मों में कंद मूल की मना की है। तो ये अच्छी बात है, आध्यात्मिक उन्नति में ये प्रथम कदम है, लेकिन कंद मूल नहीं खाते और पिज्जा बर्गर खाते हैं तो ये गलत है। हाँ, कंदमूल नहीं खाते और दूध खाते हैं, मांस मच्छी अंडे खाते हैं तो ये गलत है। कंदमूल नहीं खाते और मिलेट खाते हैं तो ये गलत है। तो ये सिक्वेंस जो भगवान ने दी हुई है इस हिसाब से चलेंगे तो कंद पहले छोड़ना है, बाद में मूल छोड़ना है, बाद में फल, फल में भी पहले गुद्देदार फल छोड़ें, बाद में रसदार रसयुक्त फल छोड़ें, बाद में फूल छोड़ें, बाद में पत्तियां छोड़ें। और जब पत्तियां छोड़ी माँ पार्वती जी ने तब उनका नाम रह गया अपर्णा। तो अपर्णा बनने के बाद अब हम आते हैं हवा पे, हवा भी छोड़ सकते हैं। तो ऐसा भी मनु शत्रुपा ने किया है, ध्रुव जी ने किया है, माता पार्वती ने भी किया है, हवा लेना छोड़ दिया। देखो हवा जरूरी है, पांचों तत्व जरूरी है, लेकिन अब जितना जितना हम छोड़ते जाएंगे हमारा शरीर एक कॉस्मिक एनर्जी से लेता जाएगा, ऐसा नहीं डिफिशिएंसी आ जाएगी, वो तो मिलेगा ही, वो लेता जाएगा। तो उसी तरह जब हम हवा भी छोड़ देंगे तब हमारे छिद्र खुल जाएंगे, हमारे जो पांच आध्यात्मिक चक्र कहते हैं मूलाधार से लेकर ज्ञान, ये सारे चक्र खुल जाएंगे और हमें सब कुछ पांचों तत्व वहां से मिलने लगेंगे। हमारे ये छिद्र जो है, करोड़ों छिद्र जो आज निकालने का काम कर रहा है, क्योंकि भीतर हम डाल रहे हैं, इससे प्रेशर बनता है, पसीना निकलता है, सारे छिद्र हमारे निकलते हैं। आप देखो मल द्वार निकलता है, मूत्र द्वार निकलता है, सारे चमड़ी के छिद्र ये सारे निकलते हैं, मुंह से भी उल्टी होके निकलता है, यहां से भी कुछ पीला 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 होके निकलता है, यहां से कुछ रसी होके निकलता है, यहां से सर्दी जुकाम होके निकलता है। ये सब कुछ क्यों निकलता है? क्योंकि हम जो डालते हैं इससे प्रेशर बनता है, इससे गंदगी बनती है, तो ये गंदगी निकालते हैं। अब हम कुछ डालते नहीं है तब निकालने का कुछ बचा नहीं, तो अब वो लेने लगेगा और उसको लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप वो पेनिट्रेट होने लगेगा, क्योंकि भीतर शून्यावकाश हो जाएगा, भीतरी दबाव अब कम हो जाएगा बाहरी दबाव से, तो अपने आप ये कॉस्मिक एनर्जी पेनिट्रेट होगी। तो ये ऋषि मुनियों को हम कहते हैं हजारों साल बिना खाए पिए बिना हवा लिए जीते थे, क्यों? इसी तरह जी सकते हैं, ये सही विज्ञान है, ये गॉड गिवन साइंस है और ये काम करेगा। तो इसी तरीके से हम
भगवान के विज्ञान को भी समझ सकते हैं। आगे आगे हमारा ये चलता ही रहेगा और अंतिम दो दिन